हम लोग ये जानते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखना है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे बॉटम क्रॉस पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर फिंगर ट्रिक्स पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि फिंगर ट्रिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग फिंगर ट्रिक्स को ही सीखने वाले हैं। लेकिन फिंगर ट्रिक्स को सीखने के लिए, रूबिक्स क्यूब की फिंगर ट्रिक्स को सीखने के लिए आप लोगों को रूबिक्स क्यूब की सारी नोटेशंस को आनी चाहिए, जैसे R किसे कहते हैं, L किसे कहते हैं। और मैंने रूबिक्स क्यूब नोटेशंस वाली वीडियो में एक नोटेशन छोड़ दी थी गलती से, आज मैं उसे भी कवर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को फिंगर ट्रिक सीखनी है और अगर आप लोग एक नया क्यूब खरीदते हैं तो आपको रूबिक्स क्यूब की फिंगर ट्रिक सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि आप लोग RS3M2020 ले सकते हैं। ये शायद 700-800 रुपया का क्यूब है, क्यूब ले लो पे, तो आप लोग इसे भी ले सकते हैं और इसकी टर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी ये सुपर RS3M में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग अपने फिंगर ट्रिक्स को सीखते हैं। तो हमारी सबसे पहली वाली फिंगर ट्रिक्स, जो सबसे कॉमन नोटेशंस होती है R और U, इसकी हम लोग फिंगर ट्रिक्स जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग लेफ्ट लेयर और आर लेयर के लिए आप लोगों को रिस्ट का ही यूज़ करना है। पहले आप लोग शायद ऐसे करके घुमाते होंगे सारी लेयर्स को, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को राइट वाली लेयर को तो रिस्ट से घुमाना ही है और लेफ्ट वाली लेयर को, लेकिन बाकी सारी लेयर को आप लोगों ने ऐसे करके नहीं घुमाना है। तो आप लोगों को राइट वाली नोटेशन तो पता चल गई होगी, ऐसे करके हमारा आर हो जाएगा, ऐसे करके आर प्राइम हो जाएगा, और ऐसे करके L, ऐसे करके L प्राइम। तो हम लोग अपनी टॉप लेयर वाली नोटेशंस को जानते हैं, टॉप लेयर वाली नोटेशंस नहीं, उसकी फिंगर ट्रिक्स को। U लेयर की फिंगर ट्रिक्स कैसे हम लोग को करनी है। U आप लोग अभी ऐसे करते होंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों ने अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप लोगों ने यहाँ पर रख के ऐसे पुल करना है ऐसे करके, तो ये हम लोग का U हो जाएगा, ये हो गया U। और अगर आप लोगों को U प्राइम करना है तो आप लोग अपनी लेफ्ट वाली इंडेक्स फिंगर से इसको यहाँ से ऐसे पुल करिएगा, तो ये U प्राइम हो जाएगा, U U प्राइम, U U प्राइम। तो मैं आप लोगों को R लेयर और U लेयर की एक एल्गोरिथम बता देता हूँ, उसे राइटी एल्गोरिथम में कहते हैं, R U R प्राइम U प्राइम। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। पहले आप लोग R U R प्राइम U प्राइम को ऐसे R U R प्राइम U प्राइम से कर देंगे, लेकिन अब आप लोगों ने इसे ऐसे करना है। पहले ऐसे होल्ड करना है क्यूब को, उसके बाद R रिस्ट से, U इंडेक्स से, R नीचे और उसके बाद U इंडेक्स, R से हम लोग ऊपर करेंगे, राइट इंडेक्स से इसको, और उसके बाद इसको नीचे, और लेफ्ट इंडेक्स से ऐसे। आप लोग इसको ऐसे ही घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग कहीं भी जो है टीवी देख रहे हैं तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाथ में क्यूब पकड़िए और ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। पहले आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे करके ही टर्न करूँ, लेकिन अगर आप लोग जो है ऐसे करके टर्न करिएगा तो आपका सॉल्विंग टाइम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको R U अपने U प्राइम सिखा दिया हूँ। आप लोग R और U लेयर के मास्टर होने के लिए R और U R प्राइम U प्राइम जो है सीख सकते हो। और उसके बाद अभी हम लोग सीखते हैं फ्रंट लेयर की नोटेशंस, जिसे हम लोग F लेयर कहते हैं ना। आप लोग जो है ऐसे ऐसे करके घुमाते होगे फ्रंट लेयर को, लेकिन आप लोगों ने इसे ऐसे नहीं घुमाना है। आप लोगों ने इसे कुछ इस तरह घुमाना है, राइट वाली इंडेक्स फिंगर से ऐसे करके। जब आप लोग ऐसे क्यूब पकड़ेंगे तो आप लोगों ने ऐसे करके इसे इंडेक्स फिंगर से नीचे पुश करना है, तो F हो जाएगा। और अगर आप लोगों को F प्राइम करना है तो ऐसे ही पकड़िए, और ये जो आपका थंब है, थंब से इसे ऐसे करके पुश करिए, तो ये F प्राइम हो जाएगा, ये F और ये F प्राइम, F F प्राइम। आप लोग एक नया क्यूब भी ले सकते हैं ताकि आप लोग इसे ज़्यादा आसानी से सीख सकें। अब मैं आपको राइट लेयर, फ्रंट लेयर और अपर लेयर की एक एल्गोरिथम बता देता हूँ। एल्गोरिथम ऊपर चल गया होगा, जो कि यह कुछ ऐसे, आप लोगों को ऐसे ही पकड़ना है, और उस एल्गोरिथम को हम लोग R प्राइम F R U प्राइम कहते हैं। तो वो कुछ ऐसे है, R प्राइम ऐसे, F इधर से इंडेक्स फिंगर से। आप लोगों ने ऐसे करके नहीं करना है, नहीं तो
आप लोग जो फिंगर ट्रिक्स ये नहीं सीख पाएंगे। आर प्राइम करके एफ ऐसे करना है और उसके बाद राइट को ऊपर करना है और उसके इधर से आप लोगों को यू प्राइम करना है। आप लोग इसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर प्राइम एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर यू प्राइम। ऐसे करने से आपका क्यूब भी सॉल्व हो जाएगा। 6 बारी लगेगा। तो अभी देखिए प्रैक्टिस करने के बाद ये कैसा लगता है। अभी थोड़े से लॉकअप्स थे लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी लॉकअप्स आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है डी लेयर्स की नोटेशंस को जानते हैं। हम लोगों ने अभी राइट अप एफ एल और जो है डी लेयर्स की नोटेशंस अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो डी लेयर्स की नोटेशंस के लिए आप लोग डी ऐसे नहीं करना है। आप लोग को आप लोगों ने डी कुछ इस तरीके से करना है। आप लोगों ने क्यूब ऐसे पकड़ा है तो अभी देखिएगा ये जो मेरी रिंग फिंगर है ये वाला रिंग फिंगर लेफ्ट वाली रिंग फिंगर इधर पे रहती है तो मैं इससे अगर ऐसे करके पुश करूँ तो ये डी हो जाता है। अभी देखिए इसे मैं ऐसे करके पुश करूँगा तो ये डी हो गया। इधर से डी, इधर से वी डी, इधर से वी डी, इधर से वी डी। और अगर आप लोगों ने डी प्राइम करना मतलब ऐसे करके करना है तो आप लोगों ने राइट वाली जो रिंग फिंगर होगी इसे ऐसे करके पुश करना है तो ये डी प्राइम हो जाएगा। आप लोग ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डी डी प्राइम, डी डी प्राइम, डी डी प्राइम, डी डी प्राइम। अब मैं आपको इसके लिए एक एल्गोरिथम भी बता देता हूँ। आपके जो है टॉप स्क्रीन पे आ गया होगा जो कि है ऐसे। आप लोगों ने ऐसे क्यूब पकड़ना है और उसके बाद आर प्राइम डी प्राइम आर डी होगा एल्गोरिथम। तो आप लोगों ने इसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों ने ऐसे करके एग्जीक्यूट नहीं करना है। आप लोगों ने ऐसे पकड़ना है क्यूब, उसके ऐसे राइट, उसके इधर से डी प्राइम करना है, उसके आर, उसके इधर से डी। मैं इसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आप लोग इसमें डी लेयर्स के नोटेशन में इससे मास्टर बन सकते हो। ऐसे आर प्राइम, इधर से डी प्राइम, इधर से आर, इधर से डी। अब मैं आपको एक नोटेशंस मैंने छोड़ दी थी नोटेशंस वाली वीडियो में, एम नोटेशंस। एम का मतलब आप लोग पूछेगा, एम का मतलब होता है मिडल लेयर। ये जो दो लेयर्स के दरमियान में ये वाली लेयर है, ये लेयर, इसे हम लोग एम लेयर कहते हैं। अभी आप लोग एम लेयर को कुछ ऐसे करके घुमाते होगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसे करके नहीं घुमाना है। अगर आप लोग ऐसे करके ही घुमाते रहोगे तो आप, मैं कुछ दिनों के बाद OLL और PLL की भी वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें M मूव्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने M मूव्स को कैसे सीखना है, सबसे पहले आप लोगों ने M प्राइम कैसे करना है। वैसे मैं नोटेशन बता देता हूँ, ऐसे अगर आप लोग करिएगा तो ये M प्राइम हो गया और ऐसे करिएगा तो ये M हो गया। तो अब हम लोग सीखते हैं कि M प्राइम की फिंगर ट्रिक्स क्या है। अभी आप लोग गौर से देखिएगा, हम लोग ऐसे की ऊपर पकड़ते हैं ना, तो हमारी ये जो मिडल फिंगर है इस मिडल फिंगर से हम लोग को यहाँ से पुश करना है। देखिएगा अभी ऐसे करके हम लोग का एम प्राइम हो जाएगा। अगर आप लोग के पास कोई नॉन मैग्नेटिक क्यूब हो या फिर कोई सस्ता क्यूब हो तो आप लोग को एम नोटेशन सीखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप लोग कोई, आपको कोई क्यूब खरीदना है तो आप लोग RS3M2020 भी खरीद सकते हैं। तो हम लोग इधर से इस मिडल फिंगर से हम लोग एम प्राइम कुछ इस तरह करते हैं। और आप लोग इधर से देखोगे तो एम प्राइम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एम प्राइम से आप लोग ऐसे करके एम प्राइम कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोगों को एम करना है मतलब ऐसे एम करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो मिडल फिंगर है ना इसको आप लोगों ने इधर ला के इधर से पुश करना है। ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को थोड़ा, लेकिन आप लोगों ने इधर से एम प्राइम किया था तो आप लोग इधर से ऐसे करके एम कर सकते हो। देखिएगा गौर से, मैंने इसे नीचे किया मिडल फिंगर को और उसके बाद इसको पुश किया ऊपर। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी तो आपको क्यूब जरूर खरीदना पड़ेगा। तो अब हम लोग एम लेयर्स की नोटेशंस के लिए, एम लेयर की फिंगर ट्रिक्स के लिए आपको एक एल्गोरिथम बता देता हूँ। एल्गोरिथम ऊपर चल गया होगा।
जो कि है ऐसे। देखो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने M इधर करना है, M इधर करना है, और उसका U2 है इधर पे, तो आपकी U लेयर्स भी इसमें थोड़ी सी आ जाएगी, U2, और उसका इधर से M2, और उसका इधर से U2, M2, U2, M2, U2। मैंने आपको जितने भी एल्गोरिथम इसमें बताए हैं, आप लोग अगर उसको करिएगा तो आप लोग फिंगरटिप से मास्टर हो जाएंगे, बिगिनर्स फिंगरटिप से। अभी मैं आपको इसको स्पीड में करके दिखाता हूँ। मास्टर हो जाएंगे तो आप लोग ऐसे करके इसको कर सकते हैं। अब हम लोग की कोई भी फिंगर ट्रिक्स नहीं बची है, तो अब वीडियो से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में जो है बता सकते हैं, और आप लोगों ने अगर RS3 को चेक करना है तो आप लोग क्यूब ले लो पर जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिंगर ट्रिक्स को सीखना है तो अपने जो है फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। बाय, सो गुड बाय।